और मैं फाकों की हालत में हूँ। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक शेर जो हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं हैं। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसर। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, वडक्कम, आई एम मंजोत, आई एम हरमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरमनजोत रिएक्शन। सो गाइस, आज का हमारा रिएक्शन है रिज्क में बरकत का प्यारा तरीका बाय मौलाना साकिब रजा मुस्तफई, एंड ये 2019 का है फ्रॉम द चैनल इस्लामिक सेंट्रल। यस, एंड ये पब्लिश हुआ था वीडियो 28 फरवरी को 2019 में। एंड बाबा जी देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। क्या रिस्क में बरकत का प्यारा तरीका, हाँ बहुत ही अच्छा होगा। हाँ। तो चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया आगे तुमने? जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने पीआईए के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा, किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे जिससे इसको नजर नहीं लगेगी, घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी, और मियां हंडिया क्या बचाएगी तुझे, अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाजल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खाम खा के रुकिए, और ये आमिल लोग जो हैं इनका तो काम ही यही है, इनका काम चलता है लोग ज़ोफ़ुल इत्तेकादी में मुबतला रहे और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़ेहन वहां जा क्लिक हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है, तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा, या दोस्तों में, तो फौरन ज़हन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ 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 उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी, उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गया। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया, इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए लेकिन दो इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाए। इन मलंगों के पास, इन ज़ोफ़ुल इत्तेकादी को फैलाने वालों के पास कभी ना जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौली साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, 2.5 पारे, हमें कोई तावीज ही करते, हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह 2.5 पारे सूरा बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप कोई तावीज ही लिखते हैं, कारोबार में बरकत नहीं। मैं कहता हूं पढ़ो ना सूरा वाकया, 3 रुकू हैं, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख लें, बटवे में रख लें, पर्स में रख लें और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े और बरकत हो जाए, ऐसे बरकत तो नहीं आती। इसलिए छोड़ो इनकी जान, आओ कुरान मजीद पे आओ, आओ सजदों पे आओ, आओ दुआओं पे आओ, सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हल में मुस्तरज़िकुन है कोई रिज़्क मांगने वाला, और तुम उस वक्त सोए हुए हो, सारे दिन ठोकरें खाते हो। आओ ना उस वक्त झोली फैला के, हाथ फैला के कहो मालिक तू झोलियां भर दे, तो फिर देखना। मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं, तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक शेर जो हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं हैं। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है।
ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने पांच चीजें बताई थी, उनमें से पांचवी चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्श इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ, मुश्किलात में आ जाओ, तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने तीन चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो, और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं, देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट, कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया। वह यार जुक हो मिन है सुला यह तसिब, वो तुम्हें वहां से रिजक देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फक्र व फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूँ, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फकर व फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर, अल्लाह उसको माला माल फरमा दे। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए। और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है, जिसने एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत की अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करे, और कितना बड़ा अजर है। आप एक साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके, और सूरह यासीन पढ़ें तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरह यासीन से किया करें, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरह यासीन पढ़ लिया करें। सूरह यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात व बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है, और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरतुल मुल्क है, 30 आयतें हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। अपने दिन का आगाज सूरह यासीन से करें, और अपनी शब का आगाज सूरह मुल्क से करें। सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया के उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं, और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो परड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। और 2 कलमे यही हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? जरा लहजा देखिए, जरा अंदाज, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? उसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी। फरमाया कि
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ, تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے. تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا, اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. تمہیں دستِ قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے, تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے. تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے, تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو, دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں, اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں. توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی. جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا, اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں, اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں, بس یہ حکم, ہم بیج بو رہے ہیں, بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں, باقی اس پہ بھروسہ ہے, یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے, اس کے اوپر پھل لگانے ہیں. تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے, ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے, اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے, کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا, تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے. تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے, اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے, جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل ہی, اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. ہمارا تو کاروبار ہے, یہ فیکٹری ہے, یہ دکان ہے, یہ ہماری نوکری ہے, ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے. پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, کوئی نوکری نہیں ہوتی, کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسن و تروح بتانن, جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا, جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے. کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں. باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو. جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے, نہ راس المال ہوتا ہے, نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں, نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں, کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے, تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا. اور کتنا اچھا وہ سمجھا رہے تھے, اینڈ کتنا وہ سویٹلی سمجھا رہے تھے, اینڈ ہم نے بھی بہت زیادہ اچھے سے سمجھا نا. ایگزیکٹلی, بہت ہی انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس بولے, جیسے کہ اگر ہم کو اگر کچھ پریشانی ہے, ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں اچھا, اینڈ اگر وہ اچھا نہیں ہوا اینڈ ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, تو وہ لوگ خودکشی کرنے پہ آ جاتے ہیں اگر ان کو بہت زیادہ کچھ پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ہمت رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہماری وہ رکشا کریں گے, اور جیسے وہ جیسے مطلب پالیں گے ہم کو اللہ, ویسے ہم پالیں گے سب. ایگزیکٹلی, یہ کہ انہوں نے بہت ہی اچھے کرے, بہت ہی اچھے پوائنٹس بتائے. یس, اینڈ آپ نے بہت زیادہ اچھے سے سمجھے ہوں گے, اینڈ ہم نے بہت زیادہ اچھے سمجھے, اینڈ یہ ویڈیو میں سبھی لوگ وہاں پہ اچھے سے دھیان سے سن رہے تھے, اینڈ ہم نے بھی سنا دھیان سے, اینڈ وہ کتنا مطلب کلیئر بتا رہے تھے, آرام سے بتا رہے تھے, اور ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا بولنا چاہتے ہیں, اینڈ کتنا مطلب کتنا اچھا بیان تھا ان کا, بہت ہی اچھا تھا. اور انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا نا کہ صبح اٹھ کے ہمیں اگر ہم نماز یا پھر جو اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام لے تو پورا دن بہت ہی اچھا جائے گا, اینڈ کچھ بھی پریشانی نہیں آئے گی, برکت ہوگی کام کاروبار میں,
और भी बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें इस वीडियो में। सो हम ज्यादा ये वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू, एंड जब तक नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में हमारे प्लीज चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।